तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को मैं बताने वाला हूँ इससे पुराने वाली जो लूट थी उसका एक छोटा सा अपडेट। दोस्तों जैसा कि मैंने सभी लोगों को बता रखा था एमडेक्स ब्राउजर के बारे में, जिसके अंदर सभी ने कॉस्मोस जो वहाँ पे केपलर एक्सटेंशन था उसको ऐड किया था, उसके द्वारा लूट अपनी ज्वाइन की थी। और मैंने सभी को बोला था कि लैपटॉप या फिर पीसी के अंदर वो अपनी लूट को जो है वहाँ पर मतलब कि जारी कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों मैंने उसका एक जुगाड़ भी बताया था, साथ ही साथ मुझे सॉल्यूशन भी दिया था कि एमडेक्स ब्राउजर को भी आप यूज़ कर सकते हो, ये वाला जो ब्राउजर है, ठीक है। इसकी भी लिंक मैंने आपको दे रखी थी, मतलब दोनों चीज़ आपको बताई थी लास्ट वाली वीडियो के अंदर, सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन बस आपको लाइव प्रोसेस करना रह गया था, मतलब लाइव प्रोसेस करके नहीं बता पाया था। मैंने आपको उसके अंदर बोला था डेली के दो टास्क दिए जाते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर मतलब आपको यहाँ पर तीन तरह के डेली के नए नए टोकन मिलते हैं, तीन तरह के नए टोकन डेली, ठीक है। और उन तीनों टोकन के हिसाब से ही आपको जो डेली दो टास्क जो मिलते हैं उनको कंप्लीट करना होता है। तो वो कैसे करना है दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम देख लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होने वाली है, ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों देखो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया जल्दी जल्दी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों जो भी अपडेट्स होते हैं या जो भी लूट वगैरह होते हैं सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। अभी दोस्तों मैं बात करता हूँ कि मैं किस लूट के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये सारी यहाँ पर स्पेस जो भी चीज़ यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बता दी थी, ये है मेरी लास्ट वीडियो। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे आगे कंटिन्यू करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं सारी की सारी लिंक निकाल लेता हूँ जो कि मैंने पहले भी आपको दे रखी थी, ठीक है। तो वो लिंक है मेरी इधर ये, ठीक है, यहाँ पर मुझे सारी ही लिंक मिल जाएगी। देखो केपलर एक्सटेंशन की लिंक मिल गई है, उसके बाद में दोस्तों मुझे यहाँ पर मतलब कि कीवी ब्राउजर मैंने बोला था पहले शुरू में कीवी ब्राउजर में बताया था, लेकिन उसके बाद में आपको एमडेक्स ब्राउजर के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो दोस्तों सारी चीज़ें, उसके बाद में दोस्तों मेरी जो वेबसाइट बैकग्राउंड में जो काम करती है वो है gravitydex.io, ठीक है। और ये लूट में इसलिए इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि इसको मस्ट टू मस्ट ज्वाइन करना है, क्योंकि पर अकाउंट आपको यहाँ पे 10, 15, 20, $25 के टोकन आपको आराम से मिल जाएंगे। दोस्तों जल्दी से बस ज्वाइन कर लेना, अब तो फ़ोन की भी ट्रिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो अब करना कुछ नहीं है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। ब्राउजर को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो हम क्या है वापस अपने टेलीग्राम पर जाएंगे। अब जितनी भी लिंक मैं आपको बता रहा हूँ सारी लिंक आप यहाँ पर अच्छे से देख लेना, सारा काम अच्छे से कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर आपको दी जाएगी केपलर की एक्सटेंशन लिंक, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में हमें क्या है ये ब्राउजर की लिंक भी मैं आपको दे दूँगा, एमडेक्स ब्राउजर की लिंक, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए इसको सबसे पहले तो मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप लिंक के द्वारा डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐप पेयर पे या फिर प्ले स्टोर पर चले जाना, वहाँ पे जाने के बाद में आप सर्च कर लेना एमडेक्स ब्राउजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऊपर सर्च बॉक्स में आता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ एमडेक्स, ठीक है। दोस्तों ये मैंने एमडेक्स सर्च कर लिया, उसके बाद में ऊपर टॉप पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा एमडेक्स ब्राउजर विद प्रो, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेना, इंस्टॉल करने के बाद में यही ब्राउजर मैं अपने फोन के अंदर चला रहा हूँ, ठीक है। अभी दोस्तों हमें करना कुछ नहीं है, उसके बाद आपको एक्सटेंशन की लिंक दी जाएगी हमारे टेलीग्राम पर सिंपल, उसको आकर यहाँ पर मतलब कि सर्च बॉक्स में आकर उसे पेस्ट कर देना, और कुछ नहीं करना है, गो कर देना। बस इतना सा आप काम करोगे ना तो आपके सामने एक एक्सटेंशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि दोस्तों कीवी ब्राउजर में ओपन होता था मेटामास्क का या फिर किसी और का भी, जैसे यहाँ पर ओपन होता था वो सारा यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको आपको ना ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे मतलब ऐड टू क्रोम करना पड़ेगा, ऐड टू क्रोम करने के बाद में आपका ये सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आएगा, ठीक है, इसका मतलब सक्सेसफुली ऐड हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बस फाइनल टास्क ये होता है कि यहाँ पर इसको ओपन कैसे करना है, तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है। काफ़ी बार शुरू में इस वीडियो को पहले भी बना सकता था, लेकिन दोस्तों ये क्या है मेरा जो ये एप्लीकेशन सही से ओपन नहीं हो रहा था, काफ़ी ग्लिच चल रही थी, इसके अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके कारण मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, ठीक है, और ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। लेकिन अब दोस्तों अच्छे से समझ आ चुका है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखो, जैसे आपने इसे थ्री डॉट पे क्लिक किया तो आपका एक्सटेंशन कहाँ पर आएगा, ऐड करने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना, यहाँ पर केपलर दिखाई दे रहा है, केपलर पे एक बार सिंपल क्लिक कर लेना। जैसे सिंपल क्लिक करोगे केपलर पे तो आपके सामने मतलब कि इम्पोर्ट वगैरह करने का ये ऑप्शन आ जाएंगे सारे, तो आपके पास है ना वो जो एड्रेस होंगे ही सारे सारे मतलब फ्रेज की जो आपको मैंने पहले कॉपी करवाए थे, ठीक है। फ्रेज की जो होते हैं मतलब कि निमोनिक की जो होती है वो आपने पहले सेव कर रखी, क्योंकि दो वॉलेट बनाए थे ना, सबको याद है पहले सभी लोगों ने दो वॉलेट बनाए थे, वॉलेट फर्स्ट और वॉलेट टू, क्योंकि नाम भी मैंने डलवाए थे वॉलेट फर्स्ट और वॉलेट टू, ठीक है। तो उसमें से आपको वॉलेट टू का जो फ्रेज की होगा ना उसको कॉपी करके यहाँ पे इंपोर्ट वॉलेट कर लेना। इंपोर्ट वॉलेट जैसे क्लिक करोगे ना मतलब कि इसके अंदर ब्राउजर के अंदर, जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा होगा इंपोर्ट वॉलेट, तो उस पर क्लिक करके अपना जो फ्रेज की होगा उसको पेस्ट कर देना इंपोर्ट वॉलेट पर क्लिक करके। तो उसको जैसे ही पेस्ट करोगे तो आप कंटिन्यू करोगे, आपका पुराना वाला ब्राउजर जो है सेकंड ब्राउजर जो है ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अभी उसके बाद में जैसे वो ओपन होता है तो देखो आपके सामने क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। जैसे ही आप दोस्तों वॉलेट टू को ओपन करोगे तो आपके सामने पूरा इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी सभी लोग ये बोलेंगे कि भाई आपने एक चीज़ बोली थी कि डेली के तीन टास्क यहाँ पे दिए जाते हैं और डेली के तीन टोकन मिलते हैं, वो टोकन मिले कहाँ पर, हमें तो कुछ नहीं मिला। दोस्तों वो टोकन आपको मिल चुके हैं, देखो कैसे मिलते हैं, वो ऊपर कॉस्मोस का जो एरो दिख रहा है ना, कॉस्मोस पे क्लिक करना, नीचे चले जाना और
कंपटीशन पे हमें क्लिक कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें 436 टोकन जो एटम टोकन है वो मिल चुके हैं, और डेली के जो तीन टोकन होते हैं ना वो भी हमें यहाँ पर मिले हैं, लूना 180 और ये AVM। ठीक है, डेली तीन नए नए टोकन मिलते हैं। आज हमें तीन टेस्ट नेट के टोकन ये मिले हैं, अगले दिन फिर चेंज हो जाएंगे, अगले दिन फिर चेंज हो जाएंगे, पर डेली हम इनका यूज़ कर सकते हैं अर्निंग करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे टोकन मिलने की। ठीक है, अब इनको हम यूज़ कैसे करेंगे, अर्निंग कैसे करेंगे। ठीक है, मस्त सभी लोग इसको ज्वाइन कर लेना अच्छे से। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं, हमने ये टोकन हमें मिल गया, अब इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। सबसे पहले वापस अपने यहाँ पर टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर जाने के बाद इधर आइए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक और लिंक दी जाएगी जो कि आपकी वेबसाइट होती है gravitydex.io। ठीक है, इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद में इधर आके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद में आपका जो अकाउंट है इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको देखो कैसे क्या करना है, यहाँ पर देना इसको मतलब कि अपने नीचे थ्री डॉट पे क्लिक करके वेबसाइट को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पर इसको है ना डेस्कटॉप साइड पे ओपन कर लेना। ठीक है, डेस्कटॉप साइड यहाँ पे देखो, ये देखा मोबाइल वर्जन, यहाँ पे मेरा मोबाइल वर्जन देखा क्योंकि मैंने डेस्कटॉप साइड इसको ओपन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे डेस्कटॉप साइड इसको ओपन कर लोगे तो यहाँ पे ऊपर ऊपर सबसे पहले तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी कि ऊपर जो आपको यहाँ पर जो कलरफुल जो प्लेट जो आपको दिख रही है ना, ये वाली कलरफुल प्लेट ये वाली। ठीक है, तो इस पर सिंपल क्लिक करके अपने अकाउंट को एक बार वेरीफाई कर लेना। सभी लोगों ने ये तो पहले ही वेरीफाई कर लिया होगा, सभी लोगों को मैंने पहले बता रखा था। जैसे ही वेरीफाई हो जाता है तो आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन मेल आता है, उसको कंफर्म कर देना, आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। और जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो उसका भी एक कंफर्मेशन मेल आता है कि हाँ आपका सक्सेसफुली कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अभी दोस्तों उसके बाद में आप यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना। कनेक्ट वॉलेट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर ना आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा अप्रूव करने का। ठीक है, तो इसको अप्रूव कर देना, उसके बाद में फिर से एक और अप्रूव करने का पूछेगा, तो उसके बाद फिर से अप्रूव करना, फिर यहाँ पर प्रोसेसिंग चलता रहेगा। प्रोसेसिंग चलने देना, काफ़ी लंबी प्रोसेसिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपका वॉलेट सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा और जितने भी आपके टोकन्स होंगे वो सारे एटम टोकन यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, अभी आगे प्रोसेस क्या करनी है वो मैं दिखा देता हूँ। अब देखो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आपको ये कनेक्टिंग होता रहेगा, काफ़ी देर इसको लगती रहेगी। आप देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, नीचे जो आपको टैब दिख रहा है ना इसको क्लिक करके यहाँ पर ग्रेविटी डेस्क वाला जो आपको दिख रहा है ना इसको ओपन कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आकर आपको सारा दिख जाएगा कि 436 टोकन आपको मिले हैं या फिर नहीं मिले। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि डेली टास्क हमारा कहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों उसके लिए नीचे सबसे पहले नीचे नीचे देखा, अच्छे से देखना, बिल्कुल छोटा सा दे रखा है यहाँ पर, नीचे एक लिस्ट दे रखी है। ठीक है, आपको तो उस लिस्ट पे एक बार क्लिक करना है। लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर डेली टास्क आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। तो पहला जो डेली टास्क है ना आपको वो दिखा देता हूँ मैं क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो डेली टास्क है यहाँ पर स्वैप थ्री टाइम इन डिफरेंट पूल। ठीक है, मतलब हमें अपने जो एटम टोकन है उसको तीन टाइम डिफरेंट पूल में स्वैप करना पड़ेगा। तो स्वैपिंग कैसे करनी वो भी अभी मैं बता देता हूँ। उसके बाद में ऐड लिक्विडिटी थ्री टाइम इन डिफरेंट पूल, और उसके बाद में डिफरेंट पूल के अंदर लिक्विडिटी भी हमें ऐड करनी है। ठीक है, तो हम देखो हम दिखा देते हैं अब क्या करना है आपको। तो आपको जो तीन तरह के अलग अलग टोकन मिले ना अभी उनसे कोई भी मतलब नहीं, हमें तो स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग हम एटम टोकन से भी कर सकते हैं, एटम टोकन से किसी ऐसे टोकन में स्वैपिंग करनी है जो हमारे पास में जीरो पड़ा होगा। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पर डालना सेलेक्ट कॉइन, मतलब कि हमें है ना कोई अलग तरह के टोकन यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ेंगे जिसमें जीरो बैलेंस होगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं BTS, इसको हम कर लेते हैं स्वैपिंग इसके अंदर, मतलब BTSG मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले तो एटम टोकन को मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये जीरो है ना, तो इसके अंदर एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्वैप तो मेरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अमाउंट एटम के ऊपर अमाउंट डाल देता हूँ, मैं 0.1 के हिसाब से कुछ भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2। ठीक है, 2 डाल दिया मैंने, उसके बाद मैं स्वैपिंग कर देता हूँ। दोस्तों पूरा का पूरा अमाउंट आपको नहीं डालना है, आपको बिल्कुल कम से कम जितना हो सके कम डालना है, पर इतना भी कम मत डालना कि आपने बिल्कुल 0.0009 डाल दिया तो ये मत डालना बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे 2 डालो, 3 डालो, 5 डालो, इतना सही चल जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या आपको है ना ये 5 क्योंकि एटम टोकन आपको डेली नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्वैप पे क्लिक कर देता हूँ। स्वैप पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो अप्रूव वगैरह सब कुछ करने का आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारा कुछ कर देता हूँ। और दोस्तों जैसे आप इसको अप्रूव पे क्लिक कर दोगे ना यहाँ पर ये कुछ भी डालना नहीं है आपको, मेमो वगैरह कुछ भी नहीं डालना, बस यहाँ पर आपको ना लो हाई एवरेज में एक चीज़ सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैंने एवरेज सेलेक्ट कर रखा था, उसके बाद अप्रूव कर देना। ठीक है, अप्रूव करने के बाद में आपका ये 9 से 10 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ट्रांजेक्शन, तो तब तक मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। तो देखो दोस्तों इस तरीके से आपका जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे इसको मैं नीचे क्लोज पे क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ। तो पहला ट्रांजेक्शन जो मेरा यहाँ पर है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखते हैं हमारा जो अपडेट हुआ है लिस्ट के नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी एक लिस्ट जो है यहाँ पर अपडेट हो चुकी है, एक ट्रांजेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ट्रांजेक्शन आपको करके एक बार और दिखा देता हूँ, फिर तीसरा आप खुद अपने आप कर लेना। ठीक है, अब दूसरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक नया टोकन यहाँ पर लेना पड़ेगा क्योंकि हमें तीन ट्रांजेक्शन करने ना, तो हमें तीनों ट्रांजेक्शन के अलग अलग टोकन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अच्छे से पूरा का पूरा। तो अभी मैंने
दोस्तों यहाँ पर किया है DVPN के अंदर, अब मुझे किसी और के अंदर करना है जिसमें 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन टोकन ले लेता हूँ, तो रन टोकन जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो इसको भी मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पे टोकन डाल देता हूँ, मतलब कि कितने एटम टोकन से यहाँ पर मुझे ये स्वैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एटम टोकन मैंने यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद फिर से मैं स्वैप पर क्लिक करता हूँ। पूरी प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ, अभी देखो ये पेंडिंग में चल रहा है, पेंडिंग में चलते इसको मैंने एवरेज पर सेट कर रखा है, फिर इसको अप्रूव कर दिया है, अप्रूव करते ही मेरा हट जाएगा, ठीक है। अप्रूव करते जैसे ही हट गया तो उसके बाद मुझे फिर से यहाँ पर gravity.io को जो अपनी वेबसाइट है इसको मुझे ओपन करनी पड़ेगी। इसको मैं थोड़ी देर, ये ओपन होने में टाइम लगेगा, तो इसको ओपन होने देता हूँ। तो ये देखो दोस्तों मेरा ये थोड़ी देर, मतलब यहाँ पे जैसे मतलब अगर आप अप्रूव वाला जो पेज था ना उसके ऊपर भी थोड़ी देर वेट करोगे ना, 10 सेकंड तक वेट करोगे तो उसमें भी आपका ऑटोमेटिक ओपन होकर यहाँ पर ये वाला इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा दूसरा ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, अब तीसरा आप अपने आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मुझे कुछ नहीं करना है, देखो मैं यहाँ पे फिर से लिस्ट चेक करके नीचे बताता हूँ लिस्ट का है मेरी, ये मेरी लिस्ट, इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ। मेरे 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, अब बारी आती है यहाँ पर, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद लिक्विडिटी आपको समझाता हूँ कैसे करनी है। दोस्तों अब बारी आती है लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की, लिक्विडिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर जाना पड़ेगा पूल में, ठीक है, लेकिन पूल से भी पहले हमें चेक करना पड़ेगा हमें कौन कौन से 3 तरह के टोकन मिले हैं। सेलेक्ट अ कॉइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके हमें 3 तरह के टोकन यहाँ पे दिखाएंगे, 1 ATT टोकन मिला है, एक तो एक यहाँ पे लूना टोकन मिला है, एक यहाँ पर NGM टोकन मिला है, ठीक है। क्योंकि रन टोकन तो हमने ऑटोमेटिक अभी अपने हाथों से ही यहाँ पर स्वैप किया था, ठीक है, ये DVPN भी हमने स्वैप किया है, ठीक है। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, बाकी जो 3 तरह के जो टोकन है उनको हम देख लेते हैं, 1 ATT टोकन हो गया, लूना हो गया और NGM हो गया, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले पूल पे क्लिक करते हैं, ऊपर पूल पे क्लिक करें, यहाँ पे हम देखेंगे कि एटम के साथ में मतलब कि जो हमें टोकन मिले ना उसका पेयर है नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला पेयर हमें यहाँ पे मिल ही गया है, 1 ATT और एटम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 1 ATT और एटम वाला नहीं चाहिए, एटम और 1 ATT वाला चाहिए, मतलब एटम इस साइड में होना चाहिए। तो हमें उसके लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, उसको बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले जो हमें मिल चुका है यहाँ पर एटम और लूना वाला, तो इसको हम कर लेते हैं मैनेज, ठीक है। तो हमें इस पर मैनेज पर क्लिक करके यहाँ पर एड लिक्विडिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पर है ना अमाउंट इसके अंदर एंटर करना है, ना कि इसके अंदर एंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखो कितना मिला, 500 यहाँ पे 96 टोकन मिले, तो ठीक है पहले 596 टोकन में डाल के देख लेता हूँ कि कितना यहाँ पर ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो अमाउंट है ना ये एटम से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका सारा का सारा नहीं लगाएंगे, हम थोड़ा बहुत कम कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर कम कर देता हूँ थोड़ा बहुत, ये देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे 10 टोकन यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, सारा टोकन ही लगाया ताकि इसमें से 10% हमने यूज़ कर लिया, मतलब इतना सा हमने यूज़ कर लिया 10 के आसपास, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, इतना भी अगर 10 भी जो है 13 आप यूज़ नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर ही अमाउंट ऊपर डाल दो डायरेक्ट, मतलब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 20, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 20 या फिर 30 के आसपास ऐसा कुछ डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 30 डालने के बाद भी यहाँ पर मैं 22 पे जो है यहाँ पर मैंने 20 डाल दिया, 20 पे डालने के बाद यहाँ पे मैं इस पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, मेरी लिक्विडिटी जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी मैं अप्रूव कर देता हूँ, अप्रूव करने का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब थोड़ी देर हमें यहाँ पर वेट करना है, वेट करने के बाद हमारी जो लिक्विडिटी ये भी सक्सेसफुली प्रोवाइड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमारी जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली देखो प्रोवाइड हो चुकी है, हम यहाँ पर अपना चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली चेक हो सकता है कि योर लिक्विडिटी, ठीक है। तो हमारे एक लिक्विडिटी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और नीचे हम यहाँ पर लिस्ट में अपनी चेक करते हैं कि एक लिक्विडिटी का मैसेज आया है नहीं आया, ठीक है। तो देखो एक लिक्विडिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में एटम के साथ में दूसरा पेयर हम देखते हैं 1 ATT वाले का, ठीक है। तो एटम के साथ में 1 ATT कौन सा और देर का हम दूसरे को चेक करते हैं। तो अब हम दोस्तों अब ये जो मेरा आपको बोल रखा है कि लूना के साथ में आप कर लेना और जो हमें 3 टोकन मिले ना उनके साथ में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का मतलब ये है, उनके साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो ऑटोमेटिक हमारे पास में टोकन मिल चुके हैं, ठीक है। अगर हम किसी और दूसरे टोकन को यूज़ करके लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे तो हमें सबसे पहले तो वो 3 अलग अलग तरह के टोकन लेने पड़ेंगे। जैसे कि हमने 3 बार अभी स्वैप किया था ना, तो जैसे कि मान लिया कि हमको अगर डेली के 3 टोकन नहीं मिलते, अलग अलग 3 टोकन नहीं मिलते, तो हम क्या करते थे यहाँ पर, मतलब हमें फिर भी डेली मिशन है वो कुछ ऐसा देता कि 3 तरह के आप स्वैपिंग करो और 3 के टोकन से आप यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करो। तो पहले हम स्वैपिंग करते हैं किसी भी टोकन को, जैसे एटम टोकन है उसको लूना में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, स्वैप कर लिया। उसके बाद में हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करने वाले ऑप्शन के अंदर क्या करते हैं, डेली वाली मिशन के अंदर लूना से ही हम एटम को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, लेकिन हमारे पास में तो 3 टोकन ऑटोमेटिक दे रखे हैं इसलिए हमने उनके द्वारा लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दिए और स्वैपिंग के अंदर बिल्कुल ना के बराबर अमाउंट यूज करके स्वैप वाला मिशन भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसलिए ये सारे टास्क हमने किए हैं, अब लिक्विडिटी हम इसी से ही प्रोवाइड कर रहे हैं जो टोकन हमारे पास में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देख रहा हूँ दूसरा और कौन सा है, तो यहाँ पे मैं एटम के साथ में 1 ATT टोकन को देख लेता हूँ कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों देखो हमने यहाँ पर सर्च कर लिया है atom/NGM, ठीक है, इसको सर्च किया तो हमारे पास में ये आ गया। इसको भी लिक्विडिटी मैनेज पे क्लिक करके ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ही हम 10 या फिर 13 टोकन या फिर 22 टोकन की जो यहाँ पर है 22 टोकन यूज़ करके एटम के यहाँ पर हम इसको ऐड लिक्विडिटी पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सारे के सारे एटम टोकन हमको यूज़ नहीं करने, क्योंकि बाद में जो चार्ज वगैरह हमको कभी विड्रॉ करना है, कोई कुछ करना है तो हमें चार्ज लगता है, तो हमारा एटम से ही लगता है, इसलिए सारे के सारे यूज़ नहीं करने हैं, हमें थोड़ा बहुत बचा के रखना है, मतलब थोड़ा क्या बहुत कुछ बचा के रखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में ऐड नीचे ऐड पर क्लिक
लिए कर देना लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसके बाद में ये पेंडिंग चलता रहेगा, उसके बाद अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद में यहाँ पर बस वेट करना है आपको, थोड़ी देर वेट करने के बाद में यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। और दोस्तों अगर आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते तो नीचे टैब पर क्लिक करना और यहाँ पर है ना आपको देखो ऊपर ग्रेविटी डेस्क वाली जो वेबसाइट दिख रही है इस पर क्लिक कर देना। लेकिन जो याद रखे इस वाली को क्रॉस मत करना क्योंकि इसमें आपका ट्रांजेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो मैं डेस्क वाले को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर आप देख लो कि आपका ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन जो है पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तो अब मुझे उसकी वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दो लिक्विडिटी मेरी प्रोवाइड हो चुकी है और तीसरी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि मेरी यहाँ पर तीसरी का थी एटम के साथ में AKT टोकन का था, ठीक है। तो AKT टोकन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि AKT के साथ में कुछ भी ऐसा नहीं है कि AKT से मैं यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकूँ। तो अब मैं किसी और टोकन को यूज़ करके यहाँ पर मतलब किसी टोकन को स्वैप कर देता हूँ पहले, तो उसके बाद में उससे मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड कर लेता हूँ। अब देखो दोस्तों स्वैपिंग करने के लिए आपको एक चीज़ बता दूँ, स्वैपिंग करने के लिए आप ना यहाँ पर मतलब कि जैसे कि मैंने अभी बोला था आपको कि आप यहाँ पर कोई ऐसा टोकन ले लो जिससे आप आसानी से स्वैपिंग कर सको, ठीक है। तो स्वैपिंग करने के लिए आप मान लो यूज़ करोगे किसको, यहाँ पर जिसका एटम के साथ में स्वैपिंग चल रहा होगा, ठीक है। तो एटम के साथ में स्वैपिंग चल रहा है DBPN का, तो DBPN अभी स्वैपिंग वाला जो टास्क था उसके अंदर हमने किया था, स्वैप किया था। उसके बाद में लूना भी हमने स्वैप किया था, लूना वैसे हमें मिला भी था NGM का, इसकी लिक्विडिटी हमने दे भी चुके हैं। उसके बाद में इरीज भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉम को यूज़ लेता, ठीक है। तो कॉम मतलब कि एटम के साथ में कॉम की लिक्विडिटी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसको करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉम टोकन चाहिए। कॉम टोकन लेने के लिए अभी ना आप यहाँ पे ऊपर सबसे पहले तो जो टोकन आपको डेली मिलते हैं ना तीन टोकन उसमें से यूज करके आप सबसे पहले कॉम कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो अभी जैसे मेरे पास में AKT टोकन मिले थे, तो AKT टोकन जो डेली के तीन टोकन मिलते हैं उसमें से एक AKT टोकन है, तो AKT पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे सेलेक्ट कॉम पे क्लिक करता हूँ, मतलब AKT में से मैं क्या ले लेता हूँ, कॉम ले लेता हूँ। मैं कॉम पे सेलेक्ट किया, कॉम पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं मैक्सिमम डाल दूँ या फिर जितना अमाउंट मुझे डालना है उतना मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैक्सिमम डाल दिया, मैक्सिमम डालने के बाद में यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करता हूँ। नीचे स्वैप पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा जो यहाँ पर ये है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके कंप्लीट होते ही जैसे ही कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे मैं पूल पे चला जाता हूँ। पूल पे जाने के बाद में अब एटम मतलब कि एटम के साथ में कॉम की स्वैपिंग में कंप्लीट कर लेता हूँ। मतलब कॉम टोकन तो मेरे पास आ चुके हैं, तो अब मैं एटम के साथ में कॉम की स्वैपिंग जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। ये है मेरी एटम के साथ में कॉम, ठीक है। तो इस पर सिंपल मैं मैनेज पर क्लिक करता हूँ, ऊपर मैनेज पर क्लिक करने के बाद में एड लिक्विडिटी पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर कॉम टोकन मिल चुके हैं क्योंकि हमने अभी स्वैप किए थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब भी यहाँ पर मैं क्या करूँगा कुछ मतलब 10 या फिर 22 टोकन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब कि इसमें से इतना परसेंट मतलब 471 टोकन यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। 471 यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर डाल देना 22, तो 471 आया, मतलब कि 471 टोकन हमारे कॉम वाली यूज़ होंगे तब जाके हमारी ये लिक्विडिटी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर एड पर क्लिक कर देते हैं, ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में। बस यहाँ पर लो इसको अप्रूव करो, अप्रूव पर क्लिक करने के बाद में आप नीचे टैब पर क्लिक करना और वापस से ग्रेविटी डेस्क वाले को ओपन कर लेना, ठीक है। तो आपका ये पेंडिंग जो चल रहा था वो आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, कूल हो गया, मतलब इसको जो है क्लोज कर देना, ठीक है। तो आपका ये जो तीन टास्क होंगे लिक्विडिटी वाले तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब नीचे आप लिस्ट पर क्लिक करके नीचे देख लेना कहाँ पर है ये हमारी लिस्ट है, इस पर क्लिक करता हूँ। मेरे तीनों टास्क जो है मेरे देखो स्वैपिंग का भी कंप्लीट हो चुका है और लिक्विडिटी वाले भी कंप्लीट हो चुके हैं। बस थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम बाद में देख लेंगे, अगर नहीं होता है तो हम थोड़ी देर बाद में इसको कंप्लीट कर लेंगे। वैसे भी नीचे टाइम लाइन भी चल रही है कि इसको आप हो ना मतलब 18 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर लिक्विडिटी कंप्लीट नहीं होती तो दूसरे टोकन में स्वैप करके फिर से एक बार और लिक्विडिटी प्रोवाइड कर देना ताकि आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सको, ठीक है। और दोस्तों एटम टोकन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ मत करना, जो टोकन आपको मिले ना उसमें से यूज़ कर लेना क्योंकि एटम टोकन हमको हमेशा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अलविदा।